आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रत आई ऐप के बारे में, जिसको बनाया है जोहो कॉरपोरेशन ने, एक इंडियन आईटी मल्टीनेशनल कंपनी ने। ये एक व्हाट्सएप का अच्छा अल्टरनेटिव आपके लिए हो सकता है, जब से व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी आई है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है, उसके बाद इसको आप ओपन करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये ऐप ओपन होगा और कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आप गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है, जिन मोबाइल नंबर से आप अपना अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हमारा मोबाइल नंबर डाल दिया है और यहाँ पर एक ओटीपी जनरेट होगा जो हमारे फ़ोन में आएगा, या तो हमारे फ़ोन से वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट होके इस ऐप के द्वारा यहाँ पर फिल कर दिया जाएगा, या हमको मैन्युअली ये चीज़ डालनी होगी। ठीक है, हम वेट करते हैं। यहाँ पर आ गया है हमारे पास ओटीपी और हम यहाँ पर डाल देते हैं। एक मिनट, ये हो गया 456, ठीक है। ये ओटीपी हमने डाल दिया है। जैसे ही आप ओटीपी डालेंगे, उसके बाद ये आगे प्रोसेस होगा और आपको लेके जाएगा ऐप की जो मेन स्क्रीन है उसके ऊपर, ठीक है। ये आ गई है पूरी ऐप की मेन स्क्रीन। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन है और किस तरह से आपको इसको यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप साइड में जाएंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं मेंशन पे। तो मेंशन का अर्थ है कि आपको अगर कोई @ लगाकर मेंशन करता है अपने ग्रुप में या चैट में, तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि किस किस ने आपको मेंशन किया है। ये बिल्कुल ट्विटर की तरह कार्य करता है। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे की ओर, तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें आता है स्टार्ट मैसेज। इसका अर्थ है कि अगर जिस मैसेज को आपने इम्पोर्टेंट समझकर स्टार्ट पे क्लिक स्टार किया है उसको, तो वो मैसेज आपको यहाँ पर शो होंगे। इसके अलावा आता है कॉन्टैक्ट, जहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं आपके कौन कौन से कॉन्टैक्ट में से लोगों ने इस ऐप को इंस्टॉल कर रखा है। फिलहाल इसके केवल 50,000 डाउनलोड है और हमारे कॉन्टैक्ट में से किसी भी फ्रेंड ने इसको इंस्टॉल नहीं कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पर अभी किसी का भी चैट नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो आप अगर आपको भी ये नहीं दिखाता है, तो उसके लिए आप अपने फ्रेंड्स को यहाँ से इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। अब आप चलते हैं पीछे की ओर और मैं आपको बता देता हूँ फाइनल वाला जो ऑप्शन है सेटिंग का। सेटिंग में आप जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल की फ़ोटो को सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे जाइए। यहाँ पर जाने के बाद आप अपने जो नेम है उसको, या अबाउट का सेक्शन और मोबाइल नंबर को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है यहाँ पे डाटा एंड स्टोरेज का। तो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं कि जब आपका वाईफाई ऑन हो, जब आपका इंटरनेट ऑन हो, तो आपकी क्या क्या फाइल डाउनलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा नोटिफिकेशन का। तो इसमें आप ये सेट कर सकते हैं पहले ही कि आपको किस तरह के कस्टमाइज नोटिफिकेशन आने हैं या उसको म्यूट करना है। तो वो यहाँ पर जाने के बाद आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि अलग अलग कलर के अंदर है, ठीक है। इसके बाद बैक आत के हम मैं आपको बताता हूँ कि जो आगे की है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। इसमें जाकर आप जो आपका पासकोड है वो लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट को ब्लॉक कर सकते हैं, अपना लास्ट सीन हाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ग्रुप में कौन ऐड कर सकता है ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी स्क्रीन सिक्योरिटी और रीड रिसिप्ट भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं अबाउट सेक्शन और फीडबैक, और यहाँ से आपको साइड में नीचे से साइन आउट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट की लिस्ट आ जाएगी, और जो लिस्ट आएगी उनमें से आप फ्रेंड चूज करके उनको उनसे चैट कर सकते हैं। तो ये अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है आपके लिए व्हाट्सअप का। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।